नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। कृषि बिल को लेकर कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत दूसरे कई किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था, जिनमें किसानों के 31 संगठन शामिल हैं। किसान संगठनों को विपक्षी दलों का भी साथ मिला हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो यूपी के अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गाजियाबाद की है, जहां पर हापुड़ चुंगी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे और उन्होंने किसान विरोधी बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अलग अलग जगह चक्का जाम करने की भी कोशिश की। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो झांसी की है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने किसान अध्यादेश लागू करने के विरोध में नगर में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। चक्का जाम के चलते झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तीसरी तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो लखीमपुर खीरी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अवध के सैकड़ों किसानों ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में चक्का जाम किया और किसानों की समस्याओं के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कोतवाली प्रभारी को सौंपा, जिसमें किसान विरोधी बिल को वापस लेने और बकाया गन्ना भुगतान की मांग रखी गई है। वहीं चौथी तस्वीर सीतापुर से है, जहां किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया और बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि किसानों के अंदर सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। आपको बता दें कि किसानों की असली चिंता एमएसपी और कृषि मंडियों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए बिल के प्रावधानों की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। कुछ संगठन और सियासी दल चाहते हैं कि एमएसपी को बिल का हिस्सा बनाया जाए, ताकि अनाज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना हो, जबकि सरकार साफ साफ कह चुकी है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। महत्वपूर्ण मांग है सबसे पहले तो ये है कि जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं भविष्य में। अगर एक छोटा किसान, आज भारत के 86% किसान छोटी जोत के हैं, जिनके 5 एकड़ से कम जमीन है, वो कौन सा महाराष्ट्र या तमिलनाडु में जाके अपनी फसल बेचेगा? जो इन्होंने ये खोला है कि जी कहीं भी आप फसल जाके बेच सकते हो, उससे फायदा किसको होगा? व्यापारी को। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो 2-2, 3-3 बीघा वाले किसान हैं, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फ़ायदा उठाएंगे? एक किसानों से उनकी हक और अधिकार छीने जा रही। तीसरा, जो भंडारण कराए, जमाखोरी, इससे भी व्यापारी को ही फायदा है। हम ये चाहते हैं कि अध्यादेश, जो भी विधेयक इन्होंने कानून बनाया है, वो कानून वापस ले सरकार और किसान के हित में कदम उठाए। 70 साल से आज पीड़ित और बहुत ही परेशान है किसान। आज वो गांव से प्रतिभा पलायन हो रहा है। 72% युवा गांव से है, लेकिन उसमें 1% केवल किसान बनना चाहता है। उसके पीछे कारण क्या है? सरकार की गलत नीति। अगर सरकार अपनी नीति नहीं सुधारेगी तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी किसानों ने। लगातार पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है किसानों द्वारा, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किसानों का कदम क्या होगा? किसान का तो यही रोल है, किसान प्रोटेस्ट करेगा, चक्का जाम करेगा, रेल रोकेगा, और क्या करेगा? किसान के हाथ में दिया क्या है इसने, सरकार ने? देखो, भारत जो देश माना जाता है, किसान की देश माना जाता है, और यहाँ पर ही किसान सुरक्षित नहीं है और उसका पूरा साथ ही। कितनी शर्म की बात है कि 70% एक जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसके बाद किसानों के साथ इस तरह की जो नीति अपनाई जा रही है, ये कितनी गलत बात है, बड़ी शोचनीय विषय है। अभी आप सबको पता है, आप पत्रकार बंधु हैं, कि 23.9% माइनस GDP है टोटल, और 39.1% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइनस है। लेकिन अगर किसी ने साथ दिया है भारत का GDP का, तो +4.5% कृषि क्षेत्र से है। उसके बाद भी किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रहा, क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? किसान एक भोली भाली जाति है ना, उसको हर सरकार आती है, अपना वोट बैंक बनाती है और अपना काम सिद्ध करती है। उसे किसान की किसान का जब तक ये विधायक वापस नहीं लेते, हम 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे हमारी भारतीय किसान यूनियन अंबावता बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है। पूरे देश से किसान यहाँ आएंगे और जब तक हम उठेंगे नहीं, पूरी दिल्ली को हम जाम करेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती और ये विधेयक वापस नहीं लिए जाते। जिले में किसानों को देखते हुए बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए कि किसानों किसी विधेयक को लेकर यहाँ पर किसानों में बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। यहाँ पर बहुत से किसान बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसान पूरे धरने पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम कर दिया है, रंग का आने जाने का बंद कर दिया है। जो यहाँ पर किसान बैठे हैं वो थे, यहाँ पर हाईवे खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया है। यहाँ पर किसानों की मांगे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो विधेयक बिल बनाया है, उससे
समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों का बड़ी ही जोरों पर विरोध देखने को मिला है। झांसी से 524 धर्मेंद्र सिंह पटेल। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं की जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जी। ना कि जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिल रहा है, और जो पात्र नहीं उनको आवास मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है। जिसके पास चार पहिया गाड़ी है और ज़मीन भी जाना है, और जो महिला के पास ज़मीन भी नहीं है, विकलांग भी है, उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उस लिए ये मुद्दा रखा गया है। अच्छा, सरकार ने जो बिल पेश किया है इस पर क्या है? न्यूनतम समर्थन। अच्छा, चलो ठीक है। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, सरासर ही अन्याय है। जैसे न्यूनतम रेट भी उनने जो बढ़ाए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो धरातल पे उतरे, केवल पेपर में न चले, क्योंकि इनके जो भी कायक चल रहे हैं वो कागजी काम हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जो रेट बढ़ाए गए, हम चाहते हैं कि मंडियों में रेट लिए जाएँ, फिर सीधे छुट्टा कर दिए जाए रेट। ये ना हो कि हमारे पास दो क्विंटल गेहूँ हुए, हम देश में विदेश थोड़ी जाएंगे, हम ट्रेन से थोड़ी यात्रा करके कहीं जाएंगे। जैसे वो कहते हैं किसान ट्रेन चला दी गई है, उससे किसान को लाभ होने वाला नहीं है। किसान को लाभ होने वाला वो है कि आ करके हम लोगों के क्लियर हो। ये ना हो कि सरकारी रेट रहेंगे, सरकारी रेट के बाद उनका प्रतिबंध रहेगा कि झांसी जिले में 10,000 क्विंटल गेहूँ खरीदा जाएगा, तो आप लोगों के पास 100,000 क्विंटल गेहूँ है तो हम कैसे खरीदेंगे। उन रेटों को धरातल पर किया जाए, उस रेट के अनुसार खरीद की जाए। हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ झांसी जिले में बीमा किसान ने दे दिया गया, इसके बावजूद भी बीमा का पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, माननीय उमा भारती जी जब सांसद बनी थी, कि यहाँ पर केन रेत मालिंग परियोजना का चालू किया जाएगा, किसानों को हर खेत तक पानी दिया जाएगा, जो आज तक भी कागजों में चल रहा है। हम लोग कहाँ तक आश्वासन का साइन करें। आज आप लोगों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, अगर ये मांगे नहीं होती तब क्या किया जाएगा? अगर मांगे नहीं होती तो हम लोग धरातल पर हम लोग आंदोलन करेंगे, वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हर किसान हर रोड पे जाम करेगा, वो तहसील है और सारी चक्का जाम होगा। में जो किसान विरोधी बिल का पास किसानों की बगैर सहमति के, किसानों की बगैर किसी वार्ता के पास किया गया है, हम लोगों का उद्देश्य कृषि प्रधान देश में यदि किसान हित में कोई भी बिल या कोई अध्यादेश लाया जाता है तो कम से कम किसानों से उस विषय पर वार्ता की जाए और किसानों के हित की बात की जाए। वर्तमान में जो बिल पास हुआ है, उस बिल के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उसको वापस लिया जाए, अन्यथा देश के हालात बिगड़ेंगे, किसानों को सड़क पर आकर के आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। काम नहीं लगा दिया, थोड़ी देर के लिए वाहन इन्होंने रोका था, लेकिन हम मौके पर हम लोग आ गए थे, हमारे डीएम इनको समझा बुझा करके इनको रखवा दिया गया है और ये अपना ज्ञापन देकर थोड़ी देर में। और भी सर कहीं प्रदर्शन शहर में चल रहा है? और भी कई स्थानों पर है, अभी वहाँ पर अभी मोदी इकट्ठा नहीं हुए। आज कई बूथों का इनका कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम जो नियम है, जो विधि व्यवस्था होना चाहिए उसी व्यवस्था से खत्म। इस निमित्त सबसे वार्ता भी कर ली गई है, सबको पता भी किया है। यदि कोई उससे उल्लंघन का प्रयास करेगा तो हम अपनी कार्रवाई करने के बाद करेंगे, तो ऐसा लगता नहीं किसी को छुट्टी आएगी। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।